नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आशिकी के ऊपर। जी हां, अब जरा पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। आज मैं देखता हूं 11 12 15 साल के जो लड़के हैं उनके अंदर जो मतलब एक जो लक्ष्य होना चाहिए, जो लक्ष्य के लिए कोई जगह होनी चाहिए, कुछ करने का एक जुनून होना चाहिए कि यार मुझे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है। लेकिन आज ज़्यादातर के दिमाग में हमें एक ही चीज़ मिलेगी, वो है लड़की। जी हाँ, लड़की। और अभी समय समय ऐसा चल रहा है, हर जगह से हमको एक ऐसा ट्रैप, एक ऐसा जाल है बस, जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता दी जा रही है लड़की को। आप इसको गलत मत लेके जाना, मैं बेटी जो कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके खिलाफ नहीं हूँ, पहले ही कह रहा हूँ। ध्यान से बात को पूरी समझना, हम लड़कों के क्या हालात हैं। आज अगर एक बच्चा 12 15 साल का सोशल मीडिया चला रहा है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा है, तो वो देख रहा है एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो कुछ जो है उसमें मस्तियां कर रहे हैं, वो वायरल हो रहा है, उसको देख देख के वो लोग खुश हो रहे हैं और यही करते रहना दिन भर। ठीक है, उसमें बहुत सारी गंदगी भी है और यही सोच सोच के खुश होते रहना, और उनके दिमाग में ट्रिगर मतलब एक दिमाग में एक बात चली गई है कि लड़की ही सब कुछ है, लड़की जब अगर जीवन में होगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत से कुछ ऐसे हमें नमूने मिलते हैं, मुझे मैसेज भी मिलते हैं ऐसे है, तो मैं लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ, मैं क्या ही करूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं ऐसे लोगों से बहस करूँ। वो कहते हैं भैया कोई जीवन में है ही नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ। कहाँ की बात कहाँ लेके जाते हो, अपना हाथ जगन्नाथ क्या है ये, जगन्नाथ जी का नाम बीच में लेके आते हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं है, ऐसे कुछ युवाओं का मतलब कहना है। अब मुझ में भी कोई इच्छाएं हैं, मैं चीज़ें कुछ देख रहा हूँ, मुझे मतलब उनकी पूर्ति करना है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो चीज़ प्रबलता है, मुझे वो चीज़ें करनी है, लेकिन मेरे पास कोई लड़की नहीं है। तो भैया अपना हाथ जगन्नाथ, मैं अपने आप को खुद को संतुष्टि दे लेता हूँ, झूठी काल्पनिक संतुष्टि कहानियाँ बुन बुन कर अपने आप को संतुष्टि दे देता हूँ। और ये आजकल जो अपना हाथ जगन्नाथ कुछ भी बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है भगवान ही जाने भैया, कहाँ की चीज़ कहाँ जोड़ते रहते हैं, हैं ऊपर वाले का नाम प्रभु का नाम बीच बीच में लेकर आना, ये क्या मैं बोलूँ इस पर। लेकिन हाँ, तो जो इस समय एक जाल जो ट्रैप ऐसा चल रहा है कि भैया हर जगह से तेरी पहली प्राथमिकता है लड़की, तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, तुम इस जीवन में आए हो, तुम्हारा कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने माँ बाप की सेवा करना, कुछ जीवन में करके दिखाना। ये सब ऐसा लग रहा है पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ एक तरफ हो गया है और सारा फोकस सिर्फ एक पर है, लड़की। किसी मित्र की गर्लफ्रेंड है, किसी की कोई लड़की किसी से भैया सेट हो गई, तो उसको देख देख के जलते रहते हैं, उनको बारे में काल्पनिक कहानियां बुन बुन के पता नहीं कौन सी दुनिया है वो, एक इसी दिमाग में वो दुनिया क्रिएट करते रहते हैं अश्लीलता भरी और करा करते हैं। मेरी बात को समझना, तो मैं देखो जगाने आया हूं मेरे भाई, वेक अप टू रियलिटी, रियलिटी को समझो। तुम जैसे तितलियों के पीछे जो भागते रहते हो, देखो बात को समझना, जो तुम तितलियों के पीछे जो तुम भाग रहे हो ये तुम्हारे पास नहीं आएंगी। बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक है। देखो तुम पहले ये देखो कि तुम्हारी प्राथमिकता मतलब तुम किस लिए आए हो, इस धरती पर टपके क्यों हो तुम, ये देखो। क्या तुम मास्टरबेशन करने आए हो, तितलियों को बस तितलियों के पीछे भागना, लड़कियों के पीछे पड़े रहना है, कोई कोई तो किसी के साथ मतलब कुछ भी चल रहा है आजकल, एक ट्रैप ऐसा चल रहा है कि छोटे से छोटा जो युवा हमारा भाई है उसके दिमाग में सिर्फ लड़की लड़की लड़की, और यही सोच सोच के क्या से क्या हो रहा है, मैं क्या ही नाम फिर बोलूँगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरा मतलब बस ये है, तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, किस लिए कि तुम कुछ अच्छा बन जाओ अपने जीवन में। देखो मैं जानता हूँ बहुत से कहते हैं कि भैया हमारे माँ बाप ने हमको सही रास्ता नहीं दिखाया। देखो हम माँ बाप को भी दोष नहीं देंगे, असल में छेड़छाड़ बहुत हुई है हमारे मतलब अभी नहीं पहले के टाइम से छेड़छाड़ बहुत हुई है, मतलब ब्रह्मचर्य के बारे में शायद हमारे माँ बाप को भी पता ही नहीं, बात को समझना। अब पहले के टाइम से वो शिक्षा क्यों नहीं दी गई मुझे तो समझ में नहीं आता, हालांकि जो गुरुकुल थे, गुरुकुल की बात कर रहा हूँ तो बहुत पहले के समय की बात हो गई, उसमें शिक्षा दी जाती थी ब्रह्मचर्य की, ज्ञान भी दिया जाता था, ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे मानसिक और जो हमारा शारीरिक बल है वो बढ़े। लेकिन आज के टाइम में ये सब विलुप्त हो गया है पूरी तरीके से, और एक ही बस चीज रह गई है, लड़की। सीधी सारी गाड़ी घूम फिर के लड़की पे ही आती है। हमारा दिमाग में शायद ऐसा कचरा भर दिया गया है कि भैया पढ़ लिख ले कुछ कर ले तुझे लड़की मिल जाएगी। देखो ये सच है कि अगर तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे तो जिस तितलियों के पीछे तुम भाग रहे हो, लड़कियों के पीछे तुम भाग रहे हो, ये तितली वितली वर्ड देखो मेरे नहीं है, ये मुझसे पूछे जाते हैं सवाल, तो मैं उस पर जो है वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें मतलब
तितली के पीछे भाग रहे हैं। अब तुम अगर ऐसी बातें सुनना चाहते हो तो सुनो भाई, तुम अपने आप को अगर बेहतर बनाओगे, अपने आप को अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे, अब कामयाब हो जाओगे ना, तो वो सब तुम्हारे पास आएंगे। तुम जब एक फूल बन जाओगे, तितली अपने आप तुम्हारे पास आएंगी। अब देखो, इस चीज़ को गलत लेके मत चले जाना भैया, कि भैया तुम क्या, देखो मैं सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी लड़की के लिए मेहनत करो, स्वयं के लिए काम करो, स्वयं के लिए मेहनत करो, अपने माँ बाप के लिए करो। अरे चलो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपने लिए करो, ताकि तुम अपने आप को आईने में देखो तो कह सको, यार कर दिखाया तूने, कर दिखाया कुछ इस जीवन में, अपना जीवन सफल कर लिया मैंने। समझ रहे हो? मतलब लड़की, जो प्राथमिकता तुम्हें अपने माँ बाप को देनी चाहिए, पढ़ाई को देनी चाहिए, अपने एक लक्ष्य को देनी चाहिए, ग्रंथों को देनी चाहिए, प्रभु को देनी चाहिए, ईश्वर को देनी चाहिए, वो तुम एक लड़की को दे रहे हो। देखो, आजकल जो माहौल चल रहा है, बहुत खराब माहौल चल रहा है इस समय। मैं यहाँ पे हालात ये हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो कॉन्ट्रोवर्सी कुछ थोड़ा समझना, क्योंकि ध्यान रखता है कोई इस पर, गाइडलाइंस है थोड़ी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस समझ रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है? अपने आप के ऊपर ध्यान दो, ये किसी लड़की के बारे में सोचकर, काल्पनिक कहानियाँ बुनकर, ये मास्टरबेशन वगैरह ये सब मत करो भाई, अपने जीवन का नाश मत करो। 12-15 साल के लड़के मुझे मैसेज करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, 2 सालों का करते हुए। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ, भैया मैं भी 12-15 साल में, मेरे में भी इतनी कोई अकल नहीं थी, जो आज के बच्चों में इतनी अकल है ना, इतनी तो मेरे में भी नहीं थी भैया। मैं तो ये पा रहा हूँ कि आज के टाइम में तो और युवा बिल्कुल घुसा हुआ है, मतलब पूरी तरीके से दलदल में फंसा हुआ है, 12-15 साल के बच्चे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने की। देखो, मैं कोई यहाँ पे ना स्क्रिप्ट विस्क्रिप्ट नहीं लिखता भैया, एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, लाइट जलाऊंगा, ये वो लिखूंगा, एडिटिंग करूंगा, ना, मुझे ये सब नहीं आता। मैंने जो अनुभव किए, जितना मैंने अध्ययन किया, जितना मैंने जाना, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ मेरे भाई। मैं जानता हूँ शायद मेरे वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन मेरी जो बातें हैं ये पूरी तरीके से मेरे भाई, मेरे अनुभव पर, जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने पढ़ा है, वही आपके सामने मैं रखता हूँ मेरे भाई। इसमें तनिक भी कोई झूठ नहीं है। आप जानते हैं, जो मेरे साथ पुराने समय से जुड़े हुए हैं, वो भी ये जानते हैं कि भाई मेरे जो वीडियोस हैं सिंपल सादे होते हैं, ठीक है? बस थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो अच्छा बन जाए, ताकि थोड़ा आगे बढ़े, युवाओं तक पहुँचे, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे कंटेंट पे वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादातर युवाओं तक पहुँचे। कुछ युवा भाई हेट करेंगे, कोई बात नहीं, हेट करो, लेकिन उनके समक्ष मैं अपनी बातें रख पाऊँ, सेलिब्रेसी ब्रह्मचर्य को बता पाऊँ कि आप भी ये चीज़ करके देखो। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, पैसे के लिए नहीं, ये कि भाई ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे तो उनके दिमाग में ब्रह्मचर्य की बातें आए, वो आए और वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अरे ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि तुम भाई शादी मत करो, बच्चे मत करो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि नालियों में ये तुम जो गंदी हरकतें करते रहते हो, कुछ भी काल्पनिक कहानियाँ बनाकर, लड़की के बारे में सोच सोच कर, सारी प्राथमिकता लड़की लड़की लड़की, हर वक्त लड़की लड़की लड़की, सपने में लड़की, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उसमें लड़की लड़की दिख रही है आजकल, क्या हालात चल रहे हैं, एक पूरा ट्रैप। टीवी में भी कोई कार का कुछ प्रमोशन हो रहा है, लड़की, आम का रस बेच रहे हैं उसमें लड़की, चड्डी बेच रहे हैं लड़की, बनियान बेच रहे हैं लड़की, ट्रैप है, ट्रैप हर जगह। मेरा उद्देश्य बस ये कि तुम्हें एक सही रास्ता दिखा दूं। देखो, मैं भी एक दलदल में फंसा था मेरे भाई, ठीक है? हर एक से गलतियां होती है, सबसे होती हैं गलतियां, ऐसा कोई नहीं जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो, होती है, जवानी में गलतियां हो जाती है, लेकिन उसी समय समझ जाओ, ये नहीं कि अरे कोई बात नहीं फिर से वही वही गलती दोहरा रहे हैं। समय है, अभी भी जाग जाओ मेरे भाई और ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है? बाकी यहाँ सेलिब्रेसी एजुकेशन, अब मैं कल परसों से वीडियो जो है शुरुआत कर दूंगा सेलिब्रेसी एजुकेशन की। इन वीडियोस में मैं आपको जानकारी दूंगा जो मिथ फैले हुए हैं कि मास्टरबेशन, कहते हैं ना, मतलब साइंस का मानना कुछ अलग है कि मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता। एक तरफ जो सेलिब्रेसी, हम जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, जो बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं, तो साइंस कहता है कि ये सब बकवास है। मतलब बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, खासकर अब जो भाई ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, जिनको अनुभव है, वो मेरी बात को समझ जाएंगे, लेकिन जो अभी सिर्फ पालन भी नहीं कर रहा है, बस सुनते आ रहे हैं फायदे फायदे फायदे, कुछ करना ना धरना, तो उनके लिए बड़े मतलब उलझन में रहते हैं कि मैं क्या ही करूं रे, बड़े बड़े पढ़े लिखे चिकित्सक कह रहे हैं मास्टरबेशन गुड फॉर हेल्थ। सेलिब्रेसी एजुकेशन वीडियो शुरू कर रहा हूं, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा, उसको समझ के चलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ठीक है? वीडियोस को समय दो, अच्छे वीडियोस को समय दो मेरे भाई, ठीक है? बहुत देख लिया गंदा, बहुत देख ली भद्दी कॉमेडी, अब जरा सीरियस हो जाओ, ब्रह्मचर्य के वीडियोस देखो, हमारे वीडियोस देखो, मैं खुद कह रहा हूँ आप मेरे वीडियोस देखो, नहीं अगर आपके अंदर बदलाव आए तो बताना मुझे। सीरियस लो अपने जीवन को, सीरियस लो थोड़ा कि नहीं यार मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरी बातों को फॉलो करके देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, यकीन करो, बस फॉलो करना। ये नहीं कि बस सुन लिया, कमेंट कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया और फिर मास्टरबेशन कर लिया कुछ भी सोच के। काबू करो अपना, थोड़ा अपने ऊपर काबू करो, ठीक है? लड़की को इतनी प्राथमिकता मत दो,
हर बार लड़की लड़की लड़की, तितली तितली, ये सब। अपने को प्राथमिकता दो, स्वयं को प्राथमिकता दो बस, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बाकी थोड़ा कमरे के अंदर ही वीडियो बनाई मैंने। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे आपके सामने, अपने अनुभव पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।